Good afternoon, all of you. This is your teacher Diksha. I'm your English teacher. I hope you all are doing well. I welcome you all on our online platform of Gyandeep Senior Secondary Public School, Shikohabad. As I can tell you yesterday, we have discussed about the tenses, right? There was an overview of the tenses in which I have told you about the past, present and future, the various categories and the various types of the tenses, and then how many tenses, how many categories it has been divided, what are the helping verbs of the past indefinite and the past continuous. So we have completed till the past continuous. Today we just move on towards the past perfect. So without wasting our more time, let's just go discuss about that. So here we can see the past perfect tense, right? First, I have written the recognition. Yesterday, I have told you what is the Hindi of the recognition. Recognition means pehchan. So kya pehchan hoti hai in tenses ki? Dekho, English mein hoga, then you got to know about. Ya ki main verb ki third form hoga, head aayega. And in Hindi, kya hoga yahan pe? Hindi mein hoga, chuka tha, chuke the. Theek hai? So this is a recognition, chuka tha, chuke the, right? So just write it out. I have just written, सिर्फ एक ही लिख पाएगा, right? Okay, so helping verb, इसकी helping verb क्या होती है? Helping verb होती है इसकी head and main verb की third form. Why? एक example के through हम समझते हैं यहाँ पे इसको, जैसे कि he had finished his work, उसने वह अपना कार्य कर चुका था, या उसने अपना कार्य कर लिया था. चुका था, चुकी थी, चुके थे की बजाय अगर लिया था, दिया था, बोला था, सुना था, कहा था, ये इत्यादि शब्द भी आते तो भी हम समझ जाएंगे कि पास्ट का टेंस है. ओके, आगे बढ़ जाते हैं. आई हैड माय फूड इन द आफ्टरनून. अरे ये क्या हो गया, गलती होगी, दो बार हैड लिख दिया मैंने. नहीं, इट इज़ करेक्ट फॉर्म, राइट? क्योंकि हैव वी यूज, हैज हैव वी यूज एज द प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना, पास्ट पार्टिसिपल के लिए हम यूज़ करते हैं हैड का. तो एक हैड ये वाला जो है, ये आपके है हेल्पिंग वर्ब, है ना, और ये वाला जो हैड है, ये वाला है आपका मेन वर्ब. ओके, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है, इसलिए यहाँ हैड आया है. मैं अपना भोजन दोपहर में ही कर चुका था या चुकी थी. ठीक है, सो दिस वॉज द बिगिनिंग. लेट जस्ट सी, आगे देखते हैं कि कौन कौन से काइंड्स हैं. तो एक मैंने यहाँ नोट डाला हुआ है कि दिस टेंस हैज़ टू टाइप्स. ये टेंस है, इसके दो प्रकार हैं. कैसे कैसे? तो हमने इसको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. कैसी कैटेगरीज में? एक बिफोर एंड एक आफ्टर. ठीक, तो ये मेन कैटेगरीज हैं वेर यू कैन यू हैव सम प्रॉब्लम, जहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट? चलो लेट जस्ट डिस्कस दिस. तो यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है. सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है, प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट. तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आपका हेड भी आता है और पास्ट इंडेफिनिट मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म भी आता है. कैसे आता है? लेट जस्ट सी. ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बता दिया, आफ्टर वाला बाद आए. अगर सेंटेंस में पहले आता है तो ये फॉर्मूला होगा, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, उसके बाद बिफोर लिखेंगे, देन पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे. लेकिन अगर आफ्टर सेंटेंस में के बाद आता है या फिर आफ्टर आता है, तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट आएगा, देन आफ्टर, देन प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट. यहाँ पर जगह कम पड़ गई थी, सो आई हैव रिटन दिस इन द शॉर्ट फॉर्म. ओके, नाउ जस्ट सी. अब देखो एग्जाम्पल नंबर वन की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल में देखो, रिया हैड बेक्ड अ केक बिफोर यू अराइव्ड. रिया ने केक पहले ही बना लिया था तुम्हारे आने से. ठीक है, या रिया ने तुम्हारे आने से पहले ही केक बना लिया था. तो यहाँ पर पहला हमने किस में बनाया? हैड बेक्ड. किस में है ये हमारा? बिफोर में, के पहले में. ठीक है, इसको मैं लास्ट में एक ट्रिक बताऊँगी याद करने का. ठीक है, याद करने का या लिंक बिठाने का कि हाउ टू लर्न दिस. सो पहला हमने यहाँ पास्ट परफेक्ट में बनाया है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में बनाया है, बीच में हमारा क्या आया है? बिफोर. एज आई हैव रिटन सो मेनी ईच टाइप ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, दूसरा भी हमारा यहाँ पर कैसा है? पॉजिटिव सेंटेंस ही है. कैसा है? दे हैड पेंटेड द वॉल बिफोर आई स्पोक टू देम. जब तक मैं उनसे बात करता, मेरे बात करने से पहले ही उन्होंने दीवार को रंग दिया,
है ना, मेरे बात करने से पहले ही उन्होंने दीवार को रंग दिया था या वे दीवार को रंग चुके थे। ठीक है, ये हो गया आपका। तो दो आपको सेंटेंस समझ आ रहे होंगे। अगला है हमारा नेगेटिव। ठीक है, यहाँ मैंने कैटेगरीज डिवाइड नहीं की हैं, जस्ट एज ए कंपैरिजन लिख दिया है। ठीक है, जिसमें नॉट लगा है वो नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव में यहाँ क्या होएगा, आई हैड नॉट कॉल्ड द पुलिस बिफोर आई इन्वेस्टिगेटेड। अब नॉट का मैं इतना ज़्यादा एम्फेसाइज क्यों कर रही हूँ कि भैया नॉट, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो टेंसेज हैं, एक टेंसेज नहीं है, दो टेंसेज है। प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर माई थ्रॉट, जस्ट बिकॉज माई थ्रॉट इज़ नॉट क्लियर एंड माई वॉइस क्वालिटी मे बी सम लिटिल डिस्टर्बिंग जस्ट बिकॉज आई एम सफरिंग विद अ बैड कोल्ड। ओके, सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट। ओके, डोंट माइंड। ओके, तो थर्ड सेंटेंस वी हैव सीन दैट नॉट नेगेटिव, राइट। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ दो सेंटेंसेज आ रहे हैं आपके, एक आपका पास्ट परफेक्ट आ रहा है, दूसरा आपका पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है ना। तो इन दोनों टेंसेस में अब आपका जब नॉट आएगा तब आप कहोगे कि मैम नॉट कौन से वाले में लगाएं, दोनों में लगा दें या दोनों में नहीं लगाएं। नहीं, आपको लगाना है हैड वाले में। लेकिन याद रखना जो बिफोर वाला सेंटेंस है इसमें आपको हैड वाले में नॉट लगाना होगा, मतलब पहले सेंटेंस में। तो आई हैड नॉट कॉल्ड द पुलिस बिफोर आई इन्वेस्टिगेटेड द नॉइस इन द गार्डन। मैंने पुलिस को नहीं बुलाया था किससे पहले, गार्डन बगीचे की इन्वेस्टिगेशन क्या बोलते हैं, जांच पड़ताल करने से पहले, है ना। मैंने पुलिस को नहीं फ़ोन किया था, ना ही बुलाया था। समझ आ गया। तो नॉट हम किस में लगाएंगे, बिफोर वाले सेंटेंसेस में जो नॉट आएगा वो हेड के साथ आने वाला है। ओके, अगला है हमारा फोर्थ, आई हैव टेकन हियर इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हैड द वेटर। तो अगेन हमने जो बिफोर वाला सेंटेंस है उसमें जो भी काम होगा वो हेड वाले के साथ होगा। ठीक है, तो हम पहले हेड को उठा लेंगे। हैड द वेदर चेंज्ड बिफोर, दूसरा वाला सेम, रिमेन एज इट वॉज, जैसा था वैसा ही रहेगा। तो हैड द वेदर चेंज्ड बिफोर दे वेंट आउट, क्या उनके जाने से पहले मौसम वैसा ही था या मौसम बदल चुका था, राइट। तो इस चीज़ पे आपको एम्फेसाइज करना है, किस चीज़ों पे, एक तो नॉट हेड के साथ आएगा बिफोर वाले सेंटेंसेस में, दूसरा बिफोर वाले सेंटेंसेस में जब आप क्वेश्चन वाला बनाएंगे तब हेड कैसा होएगा, पहले आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम। आगे हमारा, हाउ मच हैड ही ड्रंक बिफोर यू गॉट टू हिम, उसने कितनी पी रखी थी जब आप उसको लेकर के आए या आप उस तक पहुँचे, है ना, या मिले उससे, तो तब तक उसने कितनी पी रखी थी, तो हाउ मच, उसके बाद सेम। तो यहाँ कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ सकता है, वाई हैड ही ड्रंक, ठीक है, व्हाट हैड ही ड्रंक, तो कुछ भी, है ना, जो यहाँ पर सही बैठे, जो भी क्वेश्चन वर्ड यहाँ सही बैठेगा हम वो लगा देंगे। ठीक है, आई होप बिफोर वाले इज़ क्लियर टू यू ऑल। If there is any doubt, then you can ask to me. आप उसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैम अभी तो ऑफलाइन क्लास चली, कैसे पूछे, है ना। Then you can ask me, not in our recorded video, but you can message me on my WhatsApp. ठीक है, I'll be available for you. Maybe it was late, just due to some inconvenience, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए, but I will definitely get back to you. Okay. So before has been done. Now let's just move on the after. अब हम after पे चलते हैं। तो after पे हम देखेंगे यहाँ पे, let me just take the brush. हाँ, okay. After में हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे क्या आएगा, past indefinite. ठीक है बच्चा, past indefinite के बाद में after आएगा हमारा, और उसके बाद past perfect. ये एकदम घुमा है ना, जैसा ये है इसको जस्ट before वाले को opposite कर दो after में, but इसमें भी थोड़ी थोड़ी बीच में disturbances आएंगे आपको। ठीक है, हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे आपको और अच्छे से आ जाए। तो पहला सेंटेंस हम देख लेते हैं इसका एग्जांपल के रूप में। पहला है हमारा, फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, आई केम हियर। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमारी सेकंड फॉर्म आती है पॉजिटिव में, हमने कल बात की थी, आई केम हियर, मैं यहाँ आया आफ्टर यू हैड लेफ्ट। ठीक है, मेरे यहाँ आने के बाद आप जा चुके थे। ठीक है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मेरे यहाँ आने के बाद आप जा चुके थे। तो याद रखेंगे आफ्टर वाले में पहले पास्ट इंडेफिनिट,
एंड देन आपका क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट. ठीक, सेकंड वाला देख लो. आई हेल्प्ड हिम टू डू द टास्क, मैंने काम करने में उसकी मदद की. आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माय वर्क, कब, जब मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया. तो मेरा काम ख़त्म होने के पश्चात या के बाद मैंने उसकी मदद की. समझ आ गया? आफ्टर वाले में क्या होगा, आफ्टर वाले में बाद में हैड आएगा. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं. अब आ जाते हैं हम नॉट पे, नेगेटिव. द मदर डिड नॉट कुक. अब यहाँ देखो, डिड नॉट आया तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई, है ना. तो द मदर डिड नॉट कुक द फूड आफ्टर द फादर हैड गोन. अरे मैम ये क्या हो गया, है ना. अभी नाउ यू आर जस्ट थिंकिंग कि मैम ये आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया. आपने कहा था यहाँ पे कि हेड वाले के साथ नॉट आएगा और यहाँ तो आपने डिड वाले के साथ नॉट कर दिया, है ना. मैम को कुछ नहीं आता राइट अच्छा नहीं, इतना तो आता है, बताती हूँ तुम लोगों को क्या करना है. यहाँ पर आपका जो बिफोर वाला, इसीलिए मैंने एम्फसाइज़ किया था कि बिफोर वाले में जो नॉट है वो हेड के साथ आएगा, आफ्टर वाले में जो नॉट है वो डिड के साथ आएगा. इस चीज़ को याद रखना है तुम लोगों ने. ठीक है, तो द मदर डिड नॉट कुक द फूड आफ्टर द फादर हैड गॉन. समझ आ गया? तो बिफोर वाले में जो हरकत हो रही थी वो हेड वाले के साथ हो रही थी. अब यहाँ जो हरकत होगी आफ्टर वाले में वो किसके साथ होगी, डिड वाले के साथ में. तो इस चीज़ पे आपको अटेंशन रखना है अपना, आपको फोकस करना है. अगला वाला देख लेते हैं. तो अगेन मैंने एक नेगेटिव वर्ड दिया, द डॉक्टर डिड नॉट कम. ठीक है, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड. तो जो डॉक्टर है वह रोगी के मरने के बाद आया. ठीक है, बाद नहीं आया. तो द डॉक्टर डिड नॉट कम, डॉक्टर नहीं आया कब, रोगी की मरने के पश्चात. जो पेशेंट था वो मर गया, उसके बाद डॉक्टर नहीं आया. ठीक है, तो दो नेगेटिव. सॉरी, नेक्स्ट है हमारा डबल इंटरोगेटिव. ठीक है, डबल इंटरोगेटिव में क्या होएगा हमारा, कि हम यूज़ करेंगे यहाँ क्वेश्चन वर्ड. सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड में हमने क्या किया, वाई डिड मुकेश नॉट गो अवे फ्रॉम हियर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट. अच्छा, यहाँ पे आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक बार फिर से बोल दे रही हूँ, लिख लेना तुम लोग अच्छे से. वाई डिड मुकेश नॉट गो अवे फ्रॉम हियर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट. मुकेश यहाँ से क्यों नहीं गया तुम्हारे सोने के पश्चात, है ना. तो बाद वाले में क्या होएगा, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आफ्टर वाले में जो भी सीन होगा, जो भी हम जिस चीज़ में भी चेंजेस करेंगे वो किस वाले में करेंगे, डिड वाले में. और अगर बिफोर वाला सेंटेंस होएगा तो हम उसमें जो भी चेंजेस करेंगे वो हेड वाले के साथ करेंगे. अभी मैंने तुम्हें बोला था कि आई विल टेल यू, आई विल शेयर अ ट्रिक विद यू, है ना, जिससे कि आप लिंक बिठा सको कि कब हेड में चेंज करना है, कब डिड वाले में चेंज करना है. तो देखो यहाँ क्या लिखा है, बिफोर, है ना. एंड बिफोर मीन्स व्हाट, बिफोर मीन्स पहले, पहले मतलब सबसे पहले. तो बिफोर वाले में हेड पहले आएगा. समझ आया? एक ट्रिक है, समझने की कोशिश करो. अगर नहीं आई है तो फिर से समझो, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले. पहले का मतलब तो पहले ही है, तो पहले. तो बिफोर वाले में पहले क्या आएगा, हेड आएगा. ठीक है, हेड पहले आता है. बिफोर वाले में हेड जो है वो कब आता है, पहले आता है. ठीक, और आफ्टर का मतलब होता है बाद. तो इसमें जो हेड है वो कब आएगा, बाद में. हेड कब आएगा, बाद में. तो बिफोर वाले में हेड पहले, आफ्टर वाले में हेड बाद में. इनकी हिंदी से आप इन्हें रिलेट कर सकते हो अच्छे से. आई थिंक आई एम क्लियर टू यू ऑल. मुझे लगता है कि मेरी बात सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी, राइट. अगर आप एक भी वाइज टेंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं, then I promise you will not forget it for your whole life. तो आप इसको अच्छे से नहीं भूलोगे, but only one condition, कि बीच बीच में कभी कभी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस होती रहे, है ना. तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे. Here we have completed our past perfect tenses. ठीक है, यहाँ हमने अपने past perfect tense complete कर लिए. Now we are moving towards the past perfect continuous. Okay, so here is past perfect continuous, right. इसमें भी हम रिकॉग्निशन की बात करेंगे. तो भैया कौन बताएगा कि इसकी पहचान क्या होती है,
चलो बताओ मुझे फटाफट फटाफट बताओ। ओके हाँ मुझे सब सुनाई दे रहा है, ठीक है। चलिए लेट मी टेल यू रिकॉग्निशन, मैं ही बता देती हूँ, ठीक है। रिकॉग्निशन क्या होती है? इसमें आता है रहा था, रही थी एंड रहे थे, समझ जाओ, ठीक है। रहा था, रही थी, रहे थे, एक एक छोटा सा चेंज होता है। वो क्या होता है? एक चेंज ये होता है इसमें कि इसमें आता है इन सब के साथ प्लस टाइम। रहा था, रही थी, रहे थे के साथ में क्या आता है? टाइम। वरना तो हम डिफरेंस ही नहीं कर पाएंगे ना कि ये आपका पास्ट कॉन्टीन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। पास्ट कॉन्टीन्यूअस में आपका टाइम मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन आपका टाइम मैंडेटरी हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। समझ आ गया? ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं। ठीक, इन सारे टेंसेस की जो ये वाले हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, इनकी अच्छी बात जानते हैं क्या है? इनकी अच्छी बात ये है कि आपको ना सब्जेक्ट के साथ में ना कंफ्यूज नहीं होना है कि किसके साथ में वाज आएगा, किसके साथ में वर आएगा। अगर इसके साथ वर आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, इसके साथ वाज आएगा तो इसका मतलब क्या होएगा, राइट? ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये इट आई हैव वी हैव ओनली सिंगल मेन वर्ब, हमारे पास एक ही मेन वर्ब है। तो चाहे ही आ जाए, चाहे शी आ जाए, या नाम आ जाए, या प्रोनाउन आ जाए, या नाउन आ जाए, कुछ भी आ जाए, क्या होगा? रहेगा हमारा एक ही हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और वो क्या है? हैड बीन। हैड बीन के साथ क्या आएगा यहाँ पे बेटा? यहाँ पर आएगा आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक चीज़ बता दे रही हूँ, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी आता है तो वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? वर्ब के थ्री फॉर्म्स होते हैं, आपने देखे होंगे, है ना? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। एक फॉर्म और होता है, वो आपका क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको बोलते हैं वी फोर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। जब भी वर्ब का आपका फोर्थ फॉर्म आपको करने के लिए आएगा तो क्या होगा? इसका मतलब होगा आपका कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने क्या लगा देना है? आई एन जी लगा देना है, ठीक है। याद रहेगा ये चीज़, याद रखने वाली चीज़ है, याद रखिएगा, वरना कोई भी अगर आपसे पूछेगा ना